सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे ऑटो फिट एंड ऑटो सेव इन अ सेम सीट इन एक्सेल, ठीक है ना। मैंने आपको अलग अलग भी सिखाया है ये ऑटो फिट एंड ऑटो सेव, ठीक है, और मैं आज आपको एक ही शीट में सिखाऊंगा। तो ऑटो फिट का यूज क्या है, जैसे कि मैं यहाँ के कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने ये लिख दिया नंबर, तो अल्फाबेट, ठीक है। तो अभी से मैं अगर इस सेल में फिट करूंगा तो मैं इसे क्या करूंगा, ऐसे करके ऐसे फिट करूंगा, ठीक है। और ऑटो सेव का, तो ऑटो फिट से क्या होगा, ऑटो फिट से अपने आप हम एंटर मारेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है, एंटर मारेंगे अपने आप सेल में एडजस्ट हो जाएगा इसके साइज के अकॉर्डिंग जो भी हम लिखेंगे, ठीक है। ऑटो सेव का यूज क्या है, वो अपने आप सेव करेगा। आप एक बार अपनी शीट को सेव कर दोगे ना, तो वो उसके बाद अपने आप सेव करता रहेगा, आपको कंट्रोल एक्स दबाने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। ऐसे मैंने इवेंट थोड़ी दबा दिया, तो आपको दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है इनके यूज। तो चलिए देखते हैं कोड, अगर हम इन्हें एक ही शीट पर लगाएं। तो शीट वन राइट क्लिक, यहाँ जाएंगे जर्नल से वर्कशीट पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। तो ये किस चीज़ का कोड है, ये है हमारा ऑटो फिट का कोड, ठीक है ना, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ऑटो फिट की उन्हें पता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिलेक्शन चेंज को कट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे चेंज पर, यहाँ लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, ठीक है, लिख दिया। अब हम जाएंगे दिस वर्कबुक, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्कबुक पर जाएंगे और यहाँ इस वाले कोड को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी से, सेल्स लोड एंड डैमेज ऑटो फिट का कोड को कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। ओपन पर जाएंगे, ओपन को कट करके शीट चेंज पर, ठीक है, यहाँ एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी से पेस्ट। तो अब क्या करेंगे, इसे कट करने के लिए एल्ट F11 दबा देंगे, ठीक है, हम पहुँच गए अपनी शीट पर। अब देखिए मैं लिखता हूँ कुछ भी, पर पहले मेरे को ये सेव करनी पड़ेगी, आ गया ऑप्शन सेव का, यस यस कर देता हूँ। ये कह रहा है वही कि बुक बन आपके में पहले सी है, मतलब इस नेम से फाइल, मैं उसे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यस, अब देखिए ये अपना आप हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा तो एंटर मारूँगा ना, तो ये अपना आप देखिए हो गया एडजस्ट। बट इसकी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है, ये बहुत टाइम लगा देगा, ठीक है ना। अब जैसे कि अब डाटा मेरे पास बड़ा हुआ, एंटर मारूंगा, देखिए कितनी देर लगा रहा है घूमने में, अभी तो छोटा ही डाटा है, उसे लोड करेगा, ठीक है। तो यूज़फुल भी है, लिमिटेशन भी है, ज़्यादा बड़े डाटे पे बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसे लोड ही होता रहेगा, घूमते रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि ये यूज़ कैसा करते हैं एक ही शीट पे। तो होप यू लाइक अ वीडियो, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। आप वीडियो देख लेते हो बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।